हेलो गाइस, दिस इज भावेश एंड वेलकम टू ऑन मोबाइल्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2020 क्रेटा और किया सेल्टोस को। तो फ्रेंड्स, ये दोनों काफी तगड़े कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। और फ्रेंड्स, जब से क्रेटा 2020 लॉन्च हुई है तो यहाँ पे क्या ये कार सेल्टोस के मार्केट को यहाँ पे डाउन कर पाएगी, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और कौन सी कार इस सेगमेंट में बेस्ट है इन दोनों में से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और एंड में कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी कार आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी कार आप आंख बंद करके भी परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो फ्रेंड्स एंड तक जरूर से देखना कंक्लूजन के लिए। तो गाइस, सबसे पहले चले बात करते हैं किया सेल्टोस के फ्रंट व्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट डिज़ाइन इसकी काफ़ी यूनिक यहाँ पे बनाई गई है। इस किया की टाइगर ग्रिल नॉच जो इसकी पहचान है, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, और क्रोम ट्रीटमेंट में भी आपको यहाँ पे डायमंड कट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे काफ़ी अमेजिंग लुक यहाँ पे आपको जब इस कार के ग्रिल को आप करीब से देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ग्रिल पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, और साइड में अगर हम हेडलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED सेटअप मिलता है, और इसकी जो DRL है, अगर आप नाइट में अगर इस कार को देखेंगे तो बहुत ही स्टनिंग लुक आपको देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे मिलता है इसके साइड इंडिकेटर्स जो भी आपको LED सेटअप में मिलते हैं, और इसके जो फॉग लैंप्स है तो वो आइस क्यूब शेप में आपको 3 आइस क्यूब शेप फॉग लैंप्स आपको मिलते हैं। नीचे की साइड स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी और सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें इंजन ऑप्शंस की बात करते तो डीजल में 1.5 लीटर इंजन मिलता है जो 113 BHP की पावर जनरेट करता है, और पेट्रोल में 1.4 लीटर इंजन जो 138 BHP की पावर जनरेट करता है, तो पावर काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, जब क्रेटा के फ्रंट व्यू के बारे में बात करते तो यहाँ पर आपको क्रिसेंट DRL मिल जाती है विथ ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, जो यहाँ पे एक क्रेटा में आपको फर्स्ट टाइम सेगमेंट मिला है, और ये जो सेटअप मिला है तो वो पुरानी क्रेटा में नहीं आता था। नीचे की साइड आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉग लैम्प्स आपको मिल जाते हैं नीचे के, और सेंटर में आपको स्किड प्लेट और इसकी जो कास्केड ग्रिल आपको मिलती है तो जो वेन्यू से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, बट सेंटर में जो ग्रिल है तो वहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलती है सेल्टोस की तरह। अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करते तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर डीजल जो 113 BHP की पावर जनरेट करता है, और 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन जो 138 BHP की पावर जनरेट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे पावर्स इन दोनों कार्स में सेम ही आपको मिलने वाली है, मतलब पावर में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है, क्योंकि दोनों के जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं तो वो दोनों के सेम ही दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं सेल्टोस के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कुछ सेल्टोस का साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको सेंटर विंडोज़ में जो नीचे की साइड आपको पूरी यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट को स्ट्रेचर किया गया है, और हैंडल बार्स भी आपको क्रोम में मिलते हैं, साइड इंडिकेटर्स LED सेटअप में मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 17 inches के एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और नीचे की साइड आपको फिर और एक क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिलती है विथ बॉडी क्लाइडिंग, जो मतलब काफ़ी इन्हेंस करती है इसके लुक्स को। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जहाँ भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट जैसा सिल्वर फिनिश आपको मिलती है, जो मतलब ओवरऑल कार को काफ़ी अच्छा लुक देती है। क्रेटा के साइड प्रोफाइल की बात करते तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ऑल क्रेटा से, जहाँ पे 17 inches के एलो व्हील्स मिलते हैं, और इसके ऊपर का जो और वेरियंट आता है तो वहाँ पर आपको डायमंड कट एलो व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं, और सेल्टोस की तरह यहाँ पे भी आपको बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी साइड प्रोफाइल में। क्रोम हैंडल बार्स आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको साइड इंडिकेटर्स विद पेडल लैंप्स आपको यहाँ में मिलता है, जो सेल्टोस में आपको पेडल लैंप्स नहीं मिलते हैं, जो नाइट के दौरान आपको काम आते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे साइड प्रोफाइल थी तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर लाइंस भी आपको यहाँ पे शार्प देखने को मिल जाती है, जो मतलब काफ़ी इन्हेंस करती है क्रेटा के साइड प्रोफाइल को। और बैक साइड में आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, जो इस कार को थोड़ा सा और भी स्पोर्टी बना देते हैं, और कुछ अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन आपको मिलता है, जबकि सेल्टोस में यहाँ पे आपको वो यूनिकनेस आपको नहीं मिलेगी। और ऊपर की साइड क्रेटा में आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है डिज़ाइन वाइज। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं टेल सेक्शन के बारे में सेल्टोस के। तो यहाँ पे आपको ये कुछ है यहाँ पे सेल्टोस का टेल सेक्शन, जहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जाता है, ऊपर की साइड आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट मिल जाती है, और शार्क फिन एंटीना भी आपको इस कार में देखने को मिल जाता है।
अगर हम टेल लाइट्स की बात करते तो यहाँ पे हार्ट बीट शेप टेल लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, जो फुल एलईडी सेटअप आपको मिलता है। और सेंटर में आप आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ किया की बैचिंग मिल जाती है, सेल्टोस की भी बैचिंग आपको नीचे के साइड मिल जाएगी, और अदर पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको स्किड प्लेट नीचे की साइड मिल जाएगी और थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट भी मिलता है, जिससे ये टेल सेक्शन काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन आपको मिलता है सेल्टोस में। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्रेटा के टेल सेक्शन के बारे में, तो जहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यू चेंजेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ओल्ड क्रेटा। तो फ्रेंड्स ये कुछ है यहाँ पे क्रेटा का टेल सेक्शन, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड क्रेटा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेक लाइट है तो वो आपको सेंटर में मिलती है, और बूमरैंग शेप इसे यहाँ पे नाम दिया गया है ह्यूंडई की तरफ से इसके जो टेल लाइट सेटअप है तो उसे, और ये भी पूरा एलईडी सेटअप आपको मिलता है सेल्टोस की तरह ही, जो काफ़ी यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन आपको मिलती है। अगर आप फ्रंट से देखें साइड से देखें सेंटर में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है और ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको मिलता है, जिससे लुक्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस कार के। सेंटर में हुंडई का लोगो और क्रेटा की बैचिंग मिल जाती है, और अदर पार्किंग सेंसर्स और सभी सेंसर्स आपको इस कार में अवेलेबल है, जो मतलब काफ़ी अच्छी बात है, और सेल्टोस को काफ़ी अच्छी तरीके से ये कार टक्कर दे रही है अभी तक। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस कार में, जो इसका स्पॉइलर है तो वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है, और ऊपर की साइड यहाँ पे जो सेल्टोस में नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ आपको इस क्रेटा में 2020 में आपको देखने को मिल जाता है विद शार्क फिन एंटीना। तो मतलब यहाँ पे ये एक जो पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पे क्रेटा में मिलती है जो सेल्टोस में नहीं मिलती। सो गैस चलिए बात करते हैं यहाँ पे सेल्टोस के इंटीरियर के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले केलेस एंट्री मिल जाती है, ड्राइवर सीट 8-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाती है, जहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलती है, और अगर हम राइट साइड पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, और लेफ्ट साइड पे आपको मीडिया कंट्रोल आपको देखने को मिल जाती है जो इजी टू रीच है। और फ्रेंड्स ये कार में जो स्टेयरिंग है तो ये टिल्टेड और टेलीस्कोपिक आपको मिल जाता है, जो काफ़ी कम्फर्ट के लिए अच्छा रहेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको सेंटर में MFD डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे आपको सारे यूज़फुल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज मिलता है, और लेफ्ट साइड पे आपको एनालॉग RPM मीटर आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, जो यहाँ पे 10.25 इंचिस की HD स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो इनबिल्ट नेविगेशन एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के सपोर्ट के साथ आती है, और अदर्स काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन आपको इस कार में मिल जाता है, और नीचे की साइड आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, और वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है जो कूलिंग के साथ आता है। ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट वेंटिलेटेड के साथ आती है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देती है कोई भी जर्नी के दौरान। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स के बारे में, तो इस कार में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो मतलब अच्छा है, और ऊपर की साइड प्लास्टिक और नीचे की साइड लेदर फिनिश आपको इस कार में देखने को मिलती है। इस कार में आपको नॉर्मल सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर हम पीछे की साइड बात करते तो एयर प्योरीफायर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड AC वेंट्स, कुछ स्टोरेज स्पेस और USB चार्जिंग सॉकेट आपको इस कार में देखने को मिलता है रियर कंपार्टमेंट में। और अगर हम डोर बार के बारे में बात करते तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ और लेदर फिनिश के साथ आर्मरेस्ट आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे विंडशील्ड भी आपको इस कार में रियर साइड में आपको देखने को मिल जाती है, और सीट अगर हम बात करते तो 60-40 स्प्लिट सीट के साथ लेदर सीट्स आपको इस कार में देखने को मिलती है, जिसका कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और 3 हेडरेस्ट आपको इस कार में मिलते हैं सेंटर में आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे आप बात करते हैं थाई सपोर्ट के बारे में, तो काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है जो लॉन्ग जर्नी के दरमियान अच्छा रहेगा। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट तो मैंने आपको कहा है कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे रियर कंपार्टमेंट में कंफर्ट आपको देखने को मिलता है, जो मतलब इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो ये कार आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 433 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस आपको मिल जाता है विथ बूट लैम्प, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 8 स्पीकर्स जो मिलते हैं बॉस सिस्टम के, जिसके साथ आपको वूफर एंड एम्पलीफायर भी आपको मिल जाता है, मतलब साउंड एक्सपीरियंस आपको इस कार में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्रेटा के इंटीरियर के बारे में, जहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे जो लग रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डैशबोर्ड को यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है, कुछ भी आपको पहले की तरह इस कार में इंटीरियर में नहीं देखने को मिलने वाला, सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर दी गई है। क्रोम हैंडल बार आपको मिल जाता है, और पूरा ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे आपको
डोर बार आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आपको कुछ स्टोरेज स्पेस और सारे पावर विंडोज कंट्रोल्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलेगी। डी कट स्टेयरिंग मिल जाता है विथ फोर स्पोक, जहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाती है। राइट साइड पावर विंडोज के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जहाँ पे आपको सेंटर में जो स्पीडोमीटर का ऑप्शन आपको मिलेगा और आरपीएम और फ्यूल गेज आपको लेफ्ट एंड राइट साइड आपको मिल जाते हैं। एसी वेंट्स की डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे चेंज कर दी गई है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड एसी वेंट्स और सेंटर नीचे की साइड आपको 10.25 इंच की एचडी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब टच रिस्पॉन्स के साथ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। नीचे की साइड यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स, आपको टोटल 6 ड्राइविंग मोड्स आपको इस कार में मिलते हैं ऑफ रोडिंग के साथ। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट क्वालिटी का मिलता है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिल जाता है। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वायरलेस चार्जिंग के साथ। जो इस कार में आपको वैनिटी मिरर्स जो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज साइज़ के मिलते हैं। और अगर हम फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करते हैं रियर प्रोफाइल में, अगर डोर बार की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्रोम हैंडल बार मिल जाता है। और अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे मिलती है। सेंटर में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट और कुछ स्टोरेज स्पेस। ये जो सीट्स आपको रियर सीट्स आपको मिलती है वो टू वे इंक्लाइन होती है, एक है 27 डिग्री और एक होता है 31 डिग्री तक। विंडशील्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है रियर का, रियर में जो सेल्टोस में भी आपको मिलती थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट यहाँ पे रियर कंपार्टमेंट में क्रेटा में ज़्यादा आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सेल्टोस। और फ्रेंड्स अगर हम बूट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो क्रेटा के इक्वल ही आपको इस कार में मिलता है बूट स्पेस। बूट लैम्प के साथ यहाँ पे भी आपको 8 स्पीकर बोस के आपको मिल जाते हैं विथ वूफर एंड एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स सेल्टोस की तरह ही आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस इस कार में आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स एक्सटीरियर और इंटीरियर तो हमने देख लिया कंपेयर करके, तो फ्रेंड्स अब चलिए आते हैं आगे के टॉपिक पे। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होने वाला है वो है प्राइस सेगमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलने वाली है। जहाँ पे चले एक शोरूम की प्राइस की बात करते तो क्रेटा की एक शोरूम प्राइस होती है 9.99 लाख से स्टार्ट होकर 17.20 लाख तक जाती है, जहाँ पे सेल्टोस की प्राइस होती है 9.89 लाख से शुरू होकर 17.34 लाख तक जाती है। अगर हम इन दोनों कार्स के पेट्रोल डीजल में अगर बेस वेरिएंट की प्राइस देखते हैं तो क्रेटा की जो बेस वेरिएंट की प्राइस है पेट्रोल में वो जाती है 11,42,000 और सेल्टोस की पेट्रोल में बेस वेरिएंट की प्राइस आती है 11,01,000। मतलब यहाँ पे 40,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है बेस वेरिएंट में पेट्रोल में। तो अब डीजल में बात करते हैं तो डीजल में क्रेटा की जो बेस मॉडल है डीजल में तो उसकी प्राइस है 13,81,000, जहाँ पे सेल्टोस के बेस वेरिएंट डीजल की प्राइस है 12,18,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी ह्यूज डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेस वेरिएंट में। जहाँ पे अगर हम यहाँ पे टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो टॉप वेरिएंट में पेट्रोल में क्रेटा की प्राइस होती है अराउंड 19,84,000 रुपीज और जहाँ पे सेल्टोस की प्राइस होती है 19,84,000। मतलब पेट्रोल में टॉप वेरिएंट में दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल रही है। वहाँ पे डीजल में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्रेटा की जो टॉप वेरिएंट डीजल की प्राइस है तो वो 20,31,000 है और सेल्टोस की 20,33,000 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ 2,000 का ही यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्राइस, तो मतलब यहाँ पे दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के। और यहाँ पे आपको दोनों ही कार्स में बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट इंजन ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनीज यहाँ पे कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने वेरियंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है। और अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे माइलेज की बात करते हैं तो क्रेटा में आपको यहाँ पे पेट्रोल में माइलेज मिलेगी अराउंड 16 की और सेल्टोस में भी उसके अराउंड ही आपको यहाँ पे ARAI की जो माइलेज फिगर्स है तो वो 16 ही आपको यहाँ पे मिलती है। और उसी तरीके से डीजल में भी आपको यहाँ पे सेल्टोस में आपको 17.8 की माइलेज मिलेगी और क्रेटा में आपको 18.5 की माइलेज मिलेगी। मतलब यहाँ पे माइलेज में भी बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, पावर में भी डिफरेंस नहीं है, प्राइस में भी डिफरेंस नहीं है। मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि क्रेटा की प्राइस सेल्टोस से कुछ हद तक कम होगी 1 से 2 लाख, तो ही यहाँ पे क्रेटा यहाँ पे सेल्टोस के मार्केट को यहाँ पे डाउन कर सकती थी। बट यहाँ पे अब प्राइस यहाँ पे दोनों की सेम हो चुकी है तो यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे वो जो एक चांस था हुंडई के पास तो वो मुझे लगता है कि वो गवा दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए बात है हमारे फाइनल कंक्लूजन की तरफ। अगर फ्रेंड्स में सबसे पहले मेरा पर्सनल
ओपिनियन क्या है अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक कार परचेस करने जाता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं जाऊँगा सेल्टोस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरा एक पावर पैक और फीचर लेस और एक लग्जरी पैकेज आपको यहाँ पे किया प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे मुझे पर्सनली डिज़ाइन वाइज भी मुझे सेल्टोस ज़्यादा पसंद आई है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रेटा की डिज़ाइन बुरी है, क्रेटा कौन ले सकता है, जिन्हें यहाँ पे एक यूनिकनेस चाहिए है डिज़ाइन में, जो एक ओल्ड डिज़ाइन से मतलब बोर हो चुके हैं और उन्हें कुछ ऐसी डिज़ाइन चाहिए है जो मतलब लोग उनसे सामने से पूछे अगर उनको पता नहीं है कि ये क्रेटा है, तो मतलब लोग सामने से जिनको ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए कि ये कौन सी कार है कैसी है, और मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्रेटा ले सकते हैं। और अगर हम फीचर्स वाइज कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कार्स में सेम फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि क्रेटा में आपको प्लस फीचर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू किया सेल्टोस, बट किया सेल्टोस की जो लग्जरी है मतलब वो आप क्रेटा से नहीं कंपेयर कर सकते। राइड क्वालिटी में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ह्यूंडई की कंपेरिजन किया नहीं कर सकती है, बट मैं फिर भी सेल्टोस की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि मुझे सेल्टोस ज़्यादा पसंद आती है एज कम्पेयर टू क्रेटा। आप अपने ओपिनियंस क्या है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था हमारा एक कंक्लूजन, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हो कोई इन दोनों कार्स के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति, थैंक्स फॉर वॉचिंग।